"قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا" بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا

कि जादू का मफहूम क्या है उसका आगाज़ कैसे हुआ और उसकी तारीख़ क्या है कि जादू की तारीख उसकी हिस्ट्री कहाँ से ये जादू शुरू हुआ और क्या कुछ है तो कल हमने ये मालूम किए कि बनी इसराइल में जब जब जबो हाली आई और हर एतबार से दीनी समाजी अखलाक़ी माशी बहरान के शिकार हुई, तो उस वक्त उनमें कमाने के लिए ये जादू टोना शुरू हुआ और इतना ज्यादा जादू टूना शुरू हुआ क्योंकि आसानी के साथ अब कमाने का जरिया है लोगों को ठगने का बेहतरीन जरिया है इतना जादू शुरू हुआ कि जादूगर गोया के सब कुछ अपने आप को मनवाता था सबसे ऊंचा मुकाम जादूगर का था यहाँ तक कि हर बादशाह अपने साथ बड़े से बड़ा जादूगर रखता और जादूगर आहिस्ता आहस्ता अपने आप को यह समझ समझता या समझाने की बावर कराने की कोशिश करता कि मैं नबी हूं और बात तो यहां तक उलूहत के दर्जे तक कि जो अल्लाह के काम है उलोहियत के काम है वो हम कर सकते हैं हम कर सकते हैं इसीलिए फिराउन सलाम के मुकाबले में जादूगरों को लेकर आया जादूगरों को लेकर आया क्योंकि उनके माशरे में उनके समाज में ये बात थी कि सबसे ज्यादा ताकत के अगर मालिक हैं कुछ अनहोनी काम कर सकते हैं तो ये जादूगर ही कर सकते हैं उसके बाद हमने ये मालूम किया कि ये सिलसिला बन इसराइल से चलता रहा चलता रहा मूसा के जमाने में उसका थोड़ा खातिमा हुआ फिर मूसा सलाम के बाद ये लोग जादूगरी में और मशहूर हो गए और आगे बढ़ गए तो अल्लाह तला ने उनको आजमाने के लिए उनकी आजमाइश के लिए मजीद आजमाइश के लिए हारूत और मारूत दो फरिश्ते को नाजिल किया दोनों फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने इराक के शहर बाबिलन में नाजिल किया और उसी के बारे में अल्लाह ने फरमाया वमा उन ज़िला कहीं नी भी बाबिला हारूत व मारूत बाबिलन में बाबिल में हारूत व मारूत दो फरिश्तों पर जो कुछ नाजिल किया गया था वो क्या है उसकी हकीकत क्या है और ये क्या है बन इसराइल को मजीद आजमाने के लिए अल्लाह ताला का ये कानून है कानून इलाही है अल्लाह जिससे जिसका इम्तिहान मकसूद करता है वो चीज उसके लिए और आसान कर देता है जो जिस बुराई की तरफ जाना चाहता है तो हम क्या करते हैं उसके लिए वो आसान कर देते हैं अब देखते हैं बंदा क्या करता है आसान कर देते हैं बंदा क्या करता अल्लाह देखना चाहता है जैसे कि हम कल मालूम किए अब अल्लाह तला ने नबूवत क्या है और जादू क्या है अल्लाह ताला के इख्तियारत क्या हैं? जादूगर के इख्तियारत कहां तक हैं ये इन दोनों में वजाहत करने के लिए दोनों को दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए अल्लाह ताला ने हारुत और मारूत फरिश्ते को नाजिल किया और उनको जादू का फन देकर भेजा कि जाओ जाकर लोगों को बताओ कि जादू की हकीकत क्या है और नबी की नबूवत की हकीकत क्या है अल्लाह तला की उलूहियत के इख्तियार क्या होते हैं और जादूगर के इख्तियार कहां तक हैं हारूत मारूत दोनों फरिश्ते आए बन इसराइल में अब बन इसराइल जादूगरी में इतना आगे बढ़ चुके थे लपक लपक के आते थे जादू सीखने के लिए तो ये लोग क्या कहते थे इन तकफुर हम आजमाइश बनाकर भेजे गए तुम कुफुर मत करो क्या मतलब है जादू सीखना सिखाना करना करवाना कुफर है जादू सीखना करना ये सब इस्लाम से खारिज हो जाएगा कुफरे अकबर हैं इसीलिए इस्लाम में जादूगर की सजा है इस्लामी गवर्नमेंट हो जादूगर को तीन मरतबा मौका दिया जाएगा तीन बार मौका देने के बावजूद भी अगर जादू को नहीं छोड़ता है उसको कत्ल कर दिया जाएगा क्योंकि जादूगर से माशरे को फायदा क्या है फायदा कुछ है नुकसान ही नुकसान है आपस में लड़ाएगा लोगों को परेशान करेगा और मुख्तलिफ तरह के काले काम वो करेगा हा? से इनको फायदा नहीं बल्कि इनसे नुकसान है तो ऐसे लोगों को जिनसे मुआशरा तबाह और बर्बाद होता है मुआशरे में जीने का उनको हक नहीं है और सबसे बढ़ के आहिस्ता आहिस्ता लोगों के ईमान खतरे में आ जाएगा कि जादूगर को सब समझने बैठ समझ सब कुछ समझ बैठेंगे कि ये सब कर सकता है। गायब जानते हैं अल्लाह के सारे इख्तियारा उनको दे देते हैं जैसे बनी इसराइल ने किया तो फरिश्तों ने कहा कि देखो तुम मत सीखो इन फलामो नो नही वह तो क्या करते थे ये वो हारूत और मारूत से बनी इसराइल कहते नहीं परवाह नहीं सिखा दो चलेगा कोई बात नहीं सिखा दो ओपिन फरिश्ता कह रहे हैं खुल्ला कह रहे हैं कि हम फितना बनाकर भेजे भेजे गए हैं कुफर मत करो जादू मत सीखो जादू सीखोगे ये कुफर, होगा, तुमको कुफर तक लेके चला जाएगा फिर भी कोई हर्ज नहीं इतने ज्यादा ये लोग जादू की तरफ आगे बढ़ चुके थे फितने में कैसे मुब्तला हो गए कहा कि कोई बात नहीं सिखा दीजिए सीखने लगे सीख सीख के जादू की तरफ मुंतकिल होने बोते गए और आहिस्ता आहिस्ता बनी इसराइल खुराफा, सब की तरफ चले गए फिर यह सिलसिला चलता रहा चलता रहा अलैहिस्सलाम का दौर आया अलैहिस्सलाम के जमाने में तो जादू सर चढ़ के बोलता था हर आदमी जादू 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 अलैहिस्सलाम ने क्या किया जब उनको बादशाहत मिली सारे जादुई फन को जादुई किताबों को दफन कर दिया जला दिया खत्म कर दिया सारे जादूगरों को खत्म किया जादू की किताबों को खत्म किया जादू से मुतालिक जो भी चीज थी सब को खत्म कर दिया यहां तक के उनको यकीन आने के लिए जो जादूगरों की बुनियादी किताबें थी जादू की और जादूगरों की बुनियादी किताबें थी वो सारी किताबों को लाके अपने जो उनका मसनद है अपना अर्श उसके नीचे दफन कर दिया ताकि उनको यकीन आए कि भाई किसी और को हाथ ना लगे मैं किसी और को कहूंगा वो जाके पता नहीं जलाएगा कि नहीं जलाएगा दफन करके फिर कल के दिन निकाल लाएगा ना रहे बांस ना बजे बासुरी पूरी तरह से जड़ से जादू को खत्म कर देंगे ये ठान लिए उन किताबों को लाके अपने मसंद के नीचे अपने अर्श के नीचे दफन कर दिए पूरी तरह से जादू खत्म सुलेमान सलाम के इंतकाल के बाद सुलेमान सलाम के इंतकाल के बाद शैतान ने फिर उसको कुरेदा शैतान क्या करता शहद लगा के भागता देखो हम्म शैतान का काम यही है शहद लगा के उसके बाद भाग जाता है फिर वो नहीं आता सामने बस आपस में लड़ लेना है शहद लगा के शहद को चूसने के लिए मक्खी आई मक्खी को भगाने के लिए चूहा आया चूहा को पकड़ने के लिए बिल्ली आई और बिल्ली और चूहा के भागम दौड़ी में बिल्ली को पकड़ने के लिए कुत्ता आया और कुत्ता जो है बिल्ली और कुत्ते के झगड़े में सारा घर जो है बर्बाद हो गया इसीलिए बोलते शहद लगाना समझ रहे आजाद कर दिया शहद लगाने का क्या मतलब होता है सिर्फ शहद लगा के भाग गया वो बाकी मक्खी चूहा बिल्ली कुत्ते सब आके उसके बाद क्या हो गए आपस में फाइटिंग शुरू कर दिया और उसके बाद देखो घर तमाशा बन गया और घर के सारी चीजें बर्बाद होकर रह गई है तो यह बातें होती हैं कि शैतान आके फिर शहद लगाया क्या लगाया तुमको पता है सुलेमान जो जिन्नात हुकूमत करते थे जिन्नात उनके कंट्रोल में हर चीज उनकी बात मानती थी हवाओं पे उनकी हुकूमत थी कैसे मालूम है नहीं मालूम नहीं उनके मसनद के नीचे खोद के देखो उनकी ताकत का राज पता चल जाएगा खोदे तो जादू की किताबें निकली क्या देखें सुलेमान के पूरे करतब पूरे ताकत का राज ये जादुई किताबें हैं नबोत नहीं कुछ नहीं है मोजा नहीं कुछ नहीं है ये तो सिर्फ इन जादुई किताबों के करामात हैं इनकी ताकत और कुत है तुम भी हासिल करो सारे जादुई करतब को उसके बाद सुलाइमान ले सलाम की तरफ मंसूब करने लगे आज भी क्या कहते तेलिसमानी हलवार सुलाइमानी और बहुत सारे जो सीरियल वगैरह आते हैं इस्लाम के नाम पे इस्लाम भी नहीं कुछ भी नहीं याद रखो ये सब इमेजिनेशन है लोगों के सब ख्याली पलाव हैं मुख्तलिफ तरह के में नाम में मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं वो सब है क्या करते हैं उसमें सलेमान की तरफ वो जादू फुला का ये है किसी का चराग है चराग घसो तो आ गया उसके बाद ये हुआ तलवार से ये हुआ तलस्माती वो है तलस्माती सलेमान फिर उसके बाद सलेमान की ये मंत्र ये फो सारे जादू बातों को सलामान की तरफ मनसूब करना शुरू किए

माँ ततुलतीन शैतान ने जो उनके दिलों में बात डाला सलीमान के सुलेमान की सलाईमान और उनके मसनद, उनके तख्त उनकी ताकत का राज जो शैतान ने उनके दिमाग में डाला है उसी ताल्लुक से शैतानी लोग और ये बन इसराइल उसी के पीछे पड़ गए तबा वो माँ ततुलती सलीमान वामा कफर सुलेमान सुलेमान ने नहीं किया ना जादू किया ना करवाया वामा कफर सुलेमान सुलेमान ने कुफर नहीं किया मतलब क्या है सुलेमान ने जादू ना किया ना करवाया सुलेमान सलाम की ताकत का राज़ ये जादुई किताबें नहीं है वो तो अल्लाह ताला ने उनको मुजजाता फरमाया और ये फर्क करने के लिए कि मोजा क्या है जादू क्या है देखो जादू की लिमिट है लेकिन मोजाद की कोई लिमिट नहीं है हाँ मोजा के जरिए से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातों आसमान पार करके अर्श पर चले गए हैं आज भी दुनिया की ताकतें नहीं जा सकती हैं क्योंकि स्पेस में जाने के बाद फिर कुछ करना पड़ता फिर आगे जाते हैं रॉकेट या सैटेलाइट पे क्या क्या कर रहे हैं लेकिन कोई अल्लाह के अर्श तक पहुंच नहीं पाए नबी सल्लाम सल्ला वहां तक गए ये मोजा है मोजा के अल्लाह की ताकत की कोई लिमिट नहीं है और जो नबुअत है नबूवत के लिए अल्लाह ताला जो कुछ चाहे कर देता है लेकिन जादू की लिमिट है हद है इसीलिए मूसा मूसलम के सामने फिरौन के दरबार में जब जादूगरों ने जादू दिखाया और मूसा मूसलाम ने मोजा दिखाया जादूगरों को पता चल गया कि जादू क्या है उसकी लिमिट क्या है ये तो हमारे लिमिट से बढ़ है। के हैं वो समझ गए कि नहीं ये जादू नहीं है ये तो मुजैजा है ईमान लेकर आ गए ईमान लेकर आए कफर सुलेमान और कफरू शैतान ने कु है जादू सीख के करके तुम्हारे दिलो दिमाग में बाढ़ डाल के फिर उसके बाद और का ताला ने फरमाया ये है जादू के ताल्लुक से जादू की हकीकत उसकी तारीख उसकी हिस्ट्री और सुलाइमान की तरफ मंसूब बातें और सलाम ने क्या किया अब तक हमने यह हकीकत मालूम की इन आगे मालूम करेंगे जादू की किस्में क्या क्या हैं उसके हम कैसे बच सकते हैं ये जादू उससे ये कैसे हम कर सकते तो तो हैं इन मालूम करेंगे तो आज रबी से अल्लाह तबरक हमें और आपको जादू या जादू कर्तव्यों से महफूज रखें आमीर सबाकाम